So hey guys, let's start up with the next chapter, which is atoms and nuclei. All right. So atoms or nuclei makes a very very interesting topic. So पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें कि how many joules are there in one mega electron volt? देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. All right, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल is the value of one इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 10 to the power minus 19 into 10 to the power 6 जूल. मिलियन इज 10 to the power 6, मेगा बोल सकते हैं इसको आप लोग. तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकम्स 1.6 10 to the power minus 13 जूल. All right, so what does our answer become? C option, 1.602 into 10 to the power minus 13 joule becomes the value of 1 million electron volt. Okay, ji, next question dekhte hain. A certain radioactive substance has a half-life period of 30 days. What is the disintegration constant? Dekhi beta, हाफ लाइफ जो अपने पास पीरियड होता है ना, उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ऑलराइट, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड. और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. हमसे इसने बोला है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, तो लैम्डा बन जाएगा अपने पास 0.693 डिवाइडेड बाय कितना बोलो, टी हाफ. ओके, तो 0.693 मुझे मालूम ही है, टी हाफ मुझे कितना गिवन है बोलिए, 30 डेज गिवन है. ओके, सो आई कैन जस्ट पुट इन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग 0.693 अपॉन 30, बिकॉज मेरा आंसर पर डे में है तो मुझे डे को आवर्स में या मिनट्स में या सेकंड्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चे. ओके, तो जो भी इसका आंसर आएगा आप देख लीजिए कौन सा इसका आंसर बनकर निकल के आता है, दैट इज गोइंग टू बी इट्स आंसर. ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. ऑलराइट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. देखिए बेटा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी बनाने वाला डिवाइस. ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, उसकी स्टीम बनाते हैं, उसको सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग डालते हैं टर्बाइन के ऊपर, टर्बाइन घूमता है, बिजली बन जाती है. राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से. लेकिन यहां पे सवाल क्या है कि मॉडरेटर का क्या काम है. देखो, एक्चुअली क्या होता है, आप जब U235 का रिएक्शन करते हैं एक न्यूट्रॉन के साथ, राइट, 0 एंड 1, तो आपको मिलता है कुछ बेरियम, फिर क्रिप्टन, प्लस आपको 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं. बेटा, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये बहुत हाई स्पीड में होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, और हाई एनर्जी न्यूट्रॉन जो है वो इसको अपना फिशन नहीं करवा पाता, हमें इसकी एनर्जी को बहुत कम करना पड़ता है, 0.002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर के आना होता है. तो ऐसा करने के लिए इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, और स्लो डाउन करना है तो उसी को हम कहते हैं मॉडरेटर. उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, वी कॉल इट अ मॉडरेटर. अब मॉडरेटर जैसे अपने पास हैवी वाटर हो गया, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हो गया, सिंपल वाटर ही हो गया, मान लो ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, दे आर ऑल दी यू नो दी मॉडरेटर्स. तो होता क्या है कि इनके साथ जब हमारे ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, इनमें होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास होता है ऑलमोस्ट बराबर, जिसके कारण से क्या होता है कि न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी देता है प्रोटॉन के लिए और खुद वो क्या हो जाता है बेटा, स्लो डाउन हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है, यहां पे काम क्या है इसका, इसको स्लो डाउन करना. यहां पे एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स, ये वाला काम मालूम है कौन करता है, ये वाला काम करती है कंट्रोल रॉड्स. और ये कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती है बोलो, या बनी होंगी बोरोन की या बनी होंगी बेटा कैडमियम की, ध्यान रखना.
तो कैडमियम या बोरोन की कंट्रोल रॉड्स जो है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है और जो मॉडरेटर है वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। बच्चे दोनों में फर्क है, ओके। चलिए जी, क्योंकि फिशन रिएक्शन को अगर हम लोगों ने प्रॉपरली कंडक्ट करवाना है तो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को हमें लेकर के आना पड़ता है बहुत कम एनर्जी तक, ओके। तो अगला अपने पास सवाल है, और देयर इज अ रिएक्शन गिवन टू अस, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, 5 बोरोन 10 प्लस ZXA 3 लिथियम 7 प्लस 2HE4। केमिस्ट्री में आप करते हैं ये सारी कहानी, ये वाली आपको एटॉमिक नंबर और आपको मास नंबर को बैलेंस करना है। तो यहां पे है 7 प्लस 4 कितना बन गया बोलो, 11, और यहां पे कितना है बोलो, यहां पे है 10। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बोलो, 1, यहां पे है 5, यहां पे है Z, यहां पे 3 प्लस 2 कितना बना सम इनका बोलो 5, यहां पे पहले से कितना मौजूद है 5, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो Z की वैल्यू है 0 और A की वैल्यू है 1, एंड आवर ऑप्शन बिकम्स दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आपको रिएक्शन कंप्लीशन का आएगा तो उसमें आपने मास नंबर को अलग बैलेंस करना है और एटॉमिक नंबर को आपने उसमें अलग बैलेंस करना है। बच्चे ओके, गिव द रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, ये यहां पे इक्वल टू होना चाहिए। तो देखिए बेटा क्या होता है कि एक एएमयू मास कितना होता है, 1 एएमयू मास होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg, इतना होता है एक एटॉमिक मास यूनिट मास की वैल्यू, ठीक है जी। तो एक एएमयू मास से कितनी एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन के मास एनर्जी को लेस से। जब मैं इसको पुट करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 1.66 × 10⁻²⁷ × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इतनी एनर्जी निकलती है हमारे पास यहां से। जो ये एनर्जी निकली किसमें आएगी, ये आएगी जूल में बेटा, किसमें आएगी, ये जूल में आएगी, और जूल को हम कन्वर्ट करेंगे बाद में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका रिलेशनशिप आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 एएमयू, इट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द क्लोजेस्ट आंसर इज दिस, 1 एएमयू इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई गेस यू गेटिंग इट, ओके। थोड़ा बेटा ध्यान देना पड़ेगा तभी समझ में आएगी बातें। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं यहां पे, और उसके बारे में बात करते हैं। What would happen if the electron in an atmosphere is stationary? यहां पे atmosphere नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहां पे atom होगा, ये in an atom is stationary। भाई stationary हो तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि कोई atom अपने पास है plus Ze, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रॉन E, राइट इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है इधर को, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको घूमने के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स देती है, बेसिक लॉस है हम सभी जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे घूम रहा है विद वेलोसिटी वी, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दूं तो इसको सेंट्रिपेटल फोर्स तो नहीं लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इसे कहां खींच लेगी बेटा, न्यूक्लियस में खींच लेगी। तो क्या करें, इट विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए, हाउ आर द एवरेज लाइफ टी एवरेज एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा रिलेटेड, एवरेज लाइफ। तो हमारे पास दो तरह की बेटा लाइफ्स होती है, एक हाफ लाइफ होती है और एक एवरेज लाइफ होती है, राइट। दोनों के फॉर्मूले बताता हूं आप लोगों को मैं। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/λ, राइट। वैसे तो आंसर मुझे मिल ही गया इस क्वेश्चन का, राइट right? लेकिन टी हाफ की फॉर्म में अगर पूछते हैं तो बता देता हूं आपको, टी हाफ होता है 0.693/λ, राइट। थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को, और मैं यहां लिख सकता हूं इट इज 0.693, 1/λ कितना होता है टी एवरेज। तो टी हाफ बन गया अपने पास 0.693 टाइम्स टी एवरेज,
या कह लो कि टी एवरेज बन गया अपने पास, इसको नीचे लाएंगे टी हाफ अपॉन 0.693, सो इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये बन गया 1.44 टाइम्स टी हाफ। तो एवरेज लाइफ जो है हाफ लाइफ की 1.44 टाइम्स होती है, लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन केवल और केवल इतना था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लाइफ एंड द डीके कांस्टेंट लैम्डा, ऑलराइट, एंड द आंसर बिकम्स डी। ओके जी, अगला क्वेश्चन है द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियॉन इन केस ऑफ 1H2 एंड अल्फा पार्टिकल आर 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो थोड़ा सा बताता हूं आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। देखिए जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है ना, उस वक्त जो मास होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता हूं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी मुझे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस की क्या होगी बच्चे, स्टेबिलिटी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो भाई अगर मैं जानना चाहता हूं कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैंने पूरा न्यूक्लियस ही तोड़ के देखना है। मैं एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए अगर वो बता सकता हूं, तो मैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अब देखिए यहां पे इसने खुद ही बोला है कि ये जो 2He4 है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है हमारे पास 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने दूसरा बोला है कि जो ये अपने पास 1H2 है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 1.25। तो बोलो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस चीज की है, बोलो ये है हीलियम की, न्यूक्लियस की, जो कि अल्फा पार्टिकल होता है। तो विच पार्टिकल इज, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको मास नंबर भी कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि केमिस्ट्री में सोचते हैं कि एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबिलिटी है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी है, राइट, ये हमारे केमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है। लेकिन आप सीधी बात समझो कि भाई बाइंडिंग एनर्जी और एनर्जी आपस में उल्टे होते हैं, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा, तो सीधा ध्यान रखना आपने इस चीज का, एंड हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके okay, what is the source of stellar energy or name the phenomenon by which energy is produced in the sun? जानते हैं हम लोग, theoretical question है बिल्कुल ही, nuclear fusion reaction sun में होते हैं, hydrogen helium में convert हो रही होती है, उसको fusion reaction कहते हैं, और उसमें बहुत huge amount of energy release होती है, and that is the reason behind the source of the stellar energy. तो answer is the nuclear fusion reaction. Okay, जी, after one alpha and two beta emissions, after one alpha and two beta emissions, what happens to the mass number? इसने mass number की ही बात करी हुई है, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा अपने पास कोई न्यूक्लियस है मान लो ZXA, इसने एक अल्फा पार्टिकल छोड़ा, तो इसने क्या छोड़ा बोलो, 2He4 छोड़ा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसके मास नंबर को 2 से कम करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास डॉटर न्यूक्लियस आया, और इसके मुझे एटॉमिक नंबर को 4 से कम करना पड़ेगा, ये बन गया एटॉमिक नंबर 2 से कम और मास नंबर 4 से कम करना पड़ेगा, ये मुझे अपना रिजल्टिंग न्यूक्लियस मिल गया। फिर इसने एक बीटा पार्टिकल छोड़ा, इस वाले ने, किसने बोलो, YZ-2A-4 ने एक बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ा, बीटा पार्टिकल इज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन मानेंगे, अगर बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव मेंशन किया गया है तो अकॉर्डिंगली इसको मानेंगे, आप लोगों को पॉजिट्रॉन भी होता है लेकिन यहां पे बीटा एमिशन लिखा तो इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे। तो अगर आप इसको मानते हैं, यहां पे कोई मेरे पास वाई डैश बन गया, तो यहां पे कितना बन जाएगा, बोलो ये बन जाएगा Z-1, बिकॉज तभी Z-2 बनेगा ये, और ये रहेगा A-4 ही,
फिर इस वाई डैश ने एक और रिलीज किया जो कि था जेड माइनस वन और ए माइनस फोर, ये इसने एक और बीटा पार्टिकल रिलीज किया, तो ये बन गया वाई डबल डैश और ये बन गया जेड और यहां बन गया ये ए माइनस फोर। तो बड़ी सीधी सी बात क्या हुई बेटा कि एटॉमिक नंबर रहा अनचेंज और मास नंबर डिक्रीज हुआ चार से। ध्यान रहे अल्फा पार्टिकल ही मास नंबर को कम कर सकता है, बीटा पार्टिकल जो है गामा पार्टिकल की एमिशन से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास नंबर की ही इसने बात की हुई है, तो अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर करना होता तो भाई एक अल्फा पार्टिकल छोड़ा है तो मास नंबर चार से कम हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई का, राइट। और उसके बाद हमने नया रिएक्शन किया, फिर हमने नया रिएक्शन किया, देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन निकला तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं। आप पॉज करें और देखें कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है, राइट। द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर, लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस अल्फा रे भारी पार्टिकल है ये बहुत, और हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग कौन सी होगी इनमें बोलो, गामा रेडिएशंस। थ्योरेटिकल बात है, याद करना है, आई गेस आपने याद कर भी लिया। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी, क्या चीज बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हमारे कर्व बनता है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं, इस तरफ मास नंबर होता है और इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। तो इसकी कुछ पीक्स बनती है जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम स्टेबल है, लिथियम, फिर इस तरह से तीन चार पीक्स बनती है और उसके बाद से यू जाता है। तो ये वाला जो हमारे पास यहां पे अपने पास आता है, यहां 56 मास नंबर होता है एंड दिस बिकम्स Fe 26 56, इट हैज गॉट द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि हीलियम की बात करें वो भी काफी स्टेबल है लेकिन इतना नहीं है, और बेरियम और यूरेनियम तो है ही उस कंपैरिजन में स्टेबल, राइट। ये तो यहां लाई कर रहे हैं, ये तो फिशन रिएक्शन करेंगे, टूटेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ेगा बनाएगा एक बड़ा न्यूक्लियाई। तो स्टेबल होने के लिए जो ये वाले हैं ये फ्यूजन करते हैं और ये वाले जो क्या करते हैं बेटा, फिशन करते हैं। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ध्यान रहे Fe 2656 न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बेटा मैक्सिमम होती है। ऑलराइट, देखिए इस क्वेश्चन को, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ अ न्यूक्लियॉन इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट व्हाट, बताइए। हाँ जी सर बोलो, कर दो। एवरेज जो होती है ना बेटा न्यूक्लियॉन की, दैट इज 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड 8 मिलियन। देखिए 8.8 मैंने बताई थी आप लोगों को मैक्सिमम जो होती है, राइट, तो उससे थोड़ी सी कम लेकर के एवरेज निकल के आती है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस की, किसी की भी बात कर रहा है ये, हाइड्रोजन की, हीलियम की, कार्बन की, लिथियम की, बोरोन की, Fe की, यूरेनियम की, बेरियम की, क्रिप्टन की, सबकी एवरेज निकाल दी इसने, दैट कम्स आउट टू बी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना इस बात का। ओके जी, अ न्यूक्लियस AXM emit one alpha particle, two beta particles. The resulting अब देखो बड़ा सा क्वेश्चन बन गया, resulting nucleus कुछ और होगा, पहली बात तो है, resulting nucleus जो भी बनेगा यहां से, मुझे एक बात बताइए, हम एक बात को लेके श्योर हो गए हम कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करने से मास नंबर में चेंज आता है, बीटा पार्टिकल से मास नंबर में चेंज नहीं आता, मतलब एक बात तय है कि जो भी बनेगा उसका मास नंबर m-4 होगा, राइट। और मैंने पीछे क्वेश्चन किया कि एक अल्फा और दो बीटा हो जाए तो चार्ज नंबर फर्क नहीं पड़ता, वो कितना रहेगा, वो ए ही रहेगा, तो ए एम माइनस फोर कहां है मेरे पास, यहां बताइए, ये एन होगा क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं होगा, दिस मस्ट बी एन, आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं, ये एन है, राइट, और ये एम है, तो मुझे बताइए कहां पे एन एन रहा, यहां पे एन
n रहा, ध्यान दीजिए, it becomes n x m minus 4, मास नंबर 4 से कम हुआ है, इसमें भी कम हुआ है, लेकिन बीटा पार्टिकल्स भी दो निकले हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज नंबर वापस से उतना ही बन जाएगा, फिर भी कंफ्यूज्ड है आप, वैसे इसको यहाँ पे इसको x नहीं बोलना चाहिए था, इसको कुछ और बोलना चाहिए था, पर चलिए हमें तो इससे मतलब था, इससे और इससे मतलब था। देखिए अगर अपने पास कोई x है जो n है यहाँ पे और जो यहाँ पे m है, जान कुछ भी कंफ्यूज कर रहा है, ये z होता है और ये a होता है, कोई बात नहीं, अगर निकला एक अल्फा पार्टिकल तो ये बन जाएगा x m माइनस 4 n माइनस 2 सम x डैश मान लीजिए, राइट। तो ये इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकल चुका है 2He4 का। अब मान लीजिए बीटा पार्टिकल की बात करें, दो बीटा पार्टिकल और निकले, राइट, इससे अगर दो बीटा पार्टिकल निकले, बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकले इसमें से दो, राइट, तो इसका चार्ज नंबर दो से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सम एक्स डबल डैश, चार्ज नंबर दो से बढ़ गया तो एन माइनस टू प्लस टू बन गया, और ये मास नंबर फर्क नहीं पड़ेगा एम माइनस फोर, तो बोलो क्या बना, ये बना एक्स, यहां पे एन ही रहा, यहां पे एम माइनस फोर आ गया, तो व्हाट डज द आंसर बिकम, एक्स एन एम माइनस फोर बचे। तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। ऑलराइट, ओके जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when 3 lithium 7 nuclei are bombarded by a proton and the resultant nuclei are 4 beryllium 8 and emitted particle is what? देखिए बड़ा ध्यान देना लोगों ने। देखो जी अपने पास था 3 lithium 7, बोलो बन गया क्या ये जाके आगे 4 beryllium 8, ऑलराइट, मतलब एक से इसका मास नंबर जो है क्या हुआ है, बढ़ गया है, और एक से ही इसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पार्टिकल निकला होगा, अल्फा बीटा गामा फोटोन या अपने पास ये न्यूट्रॉन, व्हाट यू थिंक वुड हैव कम आउट, द एमिटेड पार्टिकल इज व्हाट, बोलो। अच्छा अगर मैं इसका चार्ज नंबर जो है, देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन